नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में बात करेंगे टिकटॉक की हाल ही में नेपाल से खबर आ रही है कि टिकटॉक नेपाल में कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है तो टिकटॉक को बैन क्यों किया गया नेपाल में क्या कंसर्न थे टिकटॉक से रिलेटेड क्या डिफेंड दिया नेपाल की गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन करने का और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि हाल ही में बताइए कौन से देश ने टिकटॉक को बैन किया है तो ध्यान रखिएगा नेपाल ने बाकी नेपाल के अलावा इंडिया में भी टिकटॉक बैन है बाकी भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने टिक टॉक पर या तो बैन किया है या फिर लगाई हैं सारी चीजों को विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आप इस वीडियो को अंत तक चैनल सब्सक्राइब अवश्य इकोनॉमी जीके टेक वालेगा पॉलिटिट इकोलॉजी की तमाम को देखने के लिए एक बार हमारी प्ले को जरूर चेक करेगा चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं देखिए नेपाल ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि टिकटॉक को वो कंप्लीटली बैन कर देंगे इसके पीछे कारण बताया गया कि ये जो पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप है टिकटॉक ये वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर जो है उसे डिसरप्ट कर रही है उसको हार्म कर रही है अब बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने टिकटॉक के यूज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं या फिर कंप्लीटली बैन किया है टिकटॉक जिसे एक चाइनीस कंपनी बाइट डांस ऑन करती है तो आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब नेपाल की कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रेखा शर्मा जी ने कहा कि कंसीडरिंग हाउ टिकटॉक इज डिस्टिंग आर सोशल हारमोनी एंड इम्पैक्ट इट इजिंग ऑन आर फैमिली एंड सोशल स्ट्रक्चर टू बैन द टिकटॉक फॉर द मूवमेंट अभी यहाँ पे इन्होंने ये कहा जो रेखा शर्मा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं कि अगर हम इसको कंसीडर करें कि टिकटॉक किस प्रकार से हमारी सोशल हारमोनी को डिसरप्ट कर रहा है और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे नेपाल में फैमिलीज़ के ऊपर और जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इसको कंसीडर करते हुए हमारी कैबिनेट ने टिकटॉक को बैन करने का डिसीजन लिया है लेकिन फॉर द मोमेंट यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस समय के लिए अब यहां पे ये जो लाइन आ गई ना फॉर द मोमेंट इससे यह पता चलता है कि यह कम्प्लीटली बैन नहीं है कुछ समय तक बैन है इस बैन को जारी भी रखा जा सकता है इस बैन को हटाया भी जा सकता है ये यहाँ से हमें पता चलता है फॉर द मोमेंट अब देखो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है पुष्पा कमल दहल इन्होंने भी इस डिसीजन को डिफेंड किया ये हैं पुष्पा कमल दहल जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि बड़ी ज़्यादा डिस्कशंस के बाद किसके ऊपर डिस्कशन के किस प्रकार से हमारे समाज में जो डिसहारमोनी डिसऑर्डर और केस फैल रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए सारी की सारी पोलिटिकल पार्टीज़ के बीच में एक कंसेंसस बनी है जो भी रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन है कि हम इसे बैन करें अब यहाँ पे ये तो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि यहाँ पे कंसेंसस बनी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में यानी जो रूलिंग पार्टी है और जो ऑपोजिशन है उन सारों में एक कंसेंसस बनी है कि ये जो टिकटॉक है इसको बैन कर दिया जाए मगर आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑपोजिशन जो है वो इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ भी कर रही है जो नेपाल की ओपोजिशन है अब देखिए वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन जो कि लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कहाँ पे नेपाल में उसने ये जो रूल्स बनाए गए हैं नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा इसके साथ कंपाइल किया है इनको मान लिया है और बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी धीरे धीरे मान लेंगे यानी कि टिकटॉक को बाकी सारे भी बैन कर देंगे वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन ने ऑलरेडी बैन कर दिया है जो कि लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है नेपाल का तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है तो नेपाल का लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है वर्ल्ड लिंक है अब देखो लोकल मीडिया के मुताबिक पिछले चार सालों में नेपाल साल में 1600 सो से ज़्यादा टिकटॉक से रिलेटेड साइबर क्राइम केसेस देखने को मिले हैं और इसीलिए काफ़ी डिमांड उठ रही थी कि ये जो ऐप है इसे कंट्रोल किया जाए या तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाए या फिर इसको कंप्लीटली बैन कर दिया जाए तो यहाँ पे सोलह सौ सो टिकटॉक रिलेटेड साइबर क्राइम केसेस हमें देखने को मिले हैं पिछले चार साल में नेपाल में ये लोकल मीडिया का कहना है अब देखो ये बहन तब है जब इंडिया ने तीन साल पहले ऑलरेडी टिकटॉक को और बाकी काफ़ी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था ये कहते हुए कि ये हमारी सोवर्निटी यानी संप्रभुता और इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता इनको थ्रेटन कर सकता है इनको चैलेंज कर सकता है इसलिए काफ़ी चाइनीज़ एप्स को और टिकटॉक को बैन कर दिया गया था इंडिया में आप सब जानते हैं अब इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मैंने आपको बताया था पहले काफ़ी वीडियोस में कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं ट्रेड इशूज़ चलते रहते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथ साथ जो फाइव आइज़ इंटेलिजेंस एलाइंस है जिसको मैंने एक अलग वीडियो में अभी तक कवर नहीं किया है लेकिन एक दो दिन में कवर कर दूंगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसको मैं जल्द कवर करने वाला हूँ और बाकी भी मैं काफ़ी जी और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जी ट्रिक्स की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर काफी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जैसे इंदिरा गांधी है महात्मा गांधी है महात्मा गांधी तो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन आते ही आते हैं तो इनसे रिलेटेड मैंने सौ से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू हैं, ध्यानचंद हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं इन सबसे को आप देख आपको देखने को मिल जाएंगे उसे भी आप देख सकते हैं मेरी में जीके वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगे बाकी साइंस है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है पॉलिटी है इकोनॉमी है ज्योग्राफी है इसके ऊपर भी काफी वीडियो मैंने बनाई हैं उन सारों को आप देख सकते हैं एक बार आप मेरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा तब दोबारा अपने टॉपिक पर आइए कि यूनाइटेड स्टेट्स और और इसके साथ जो जो हैं, में आते हैं हैं, आते ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इन सारों ने भी अपने-अपने देश में काफी जो हैं वो के यूज़ के ऊपर खासकर जो वर्कर्स हैं, तो जो भी सरकारी नौकरी में काम करते हैं उनके लिए बिल्कुल मना है टिकटॉक का यूज करना इन देशों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देन ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन कैनेडा एंड न्यूजीलैंड अब देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसने कंपनीज़ को बाकी कुछ रिस्ट्रिक्शन या बाकी कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए भी कहा है जैसे कि सबसे पहले उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा अपना एक लीजन ऑफिस जो है उसको नेपाल में खोलना पड़ेगा टैक्स पे करने पड़ेंगे और देश के जो लॉज एंड रेगुलेशन है उनको साथ अबाइड करना पड़ेगा यानी उनको मानना पड़ेगा टिकटॉक दुनिया के काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें स्क्रूटनी को फ़ेस करता आया है स्क्रूटनी का मतलब होता है पूरी जान पड़ताल करना उसको फेस करता आया है क्योंकि इसके पीछे एक कंसर्न ये रहता है कि जो बीजिंग है यानी चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो जो यूज़र्स हैं उनका डाटा हार्वेस्ट कर सकता है यानी कि उनका डाटा ले सकता है और अपने जो फर्दर इंटरेस्ट हैं उन्हें एडवांस करने में वो उस डाटा का मिस कर सकता है जो कि प्रेवेसी को चैलेंज करने वाली बात है देश के सिटीजन्स की तो ये एक कंसर्न रहता है काफ़ी देशों में काफ़ी देशों की सरकारों में इसीलिए जो टिकटॉक है उसके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं और कई जगह उसको जैसे इंडिया हो गया उसको बैन भी किया जाता है हालाँकि टिकटॉक ने हमेशा इस बात को डिनाई किया है उन्होंने कहा है कि आज दिन तक हमने कभी भी अपने यूज़र्स का जो डाटा है उसको शेयर नहीं किया है और अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट कल को बोलती भी है मांगती भी है तो भी हम अपने यूज़र्स का डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे तो ये टिकटॉक का कहना है अब ओबियस ये बात है टिकटॉक पे हर एक दिन बिलियन यूज़र्स हैं एक दिन के बिलियन यूजर्स हैं तो टिकटॉक बहुत पैसा कमाता है बहुत ज्यादा पैसा कमाता है हर दिन टिकटॉक को एक बिलियन से ज्यादा लोग यूज करते हैं तो ओबियस बात है कि टिकटॉक पैसा तो बहुत कमाता है तो अब यहाँ पे जब इस प्रकार के बैनस होते हैं या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो टिकटॉक का नाम भी खराब होता है और फिर अर्निंग में भी काफ़ी असर पड़ता है जब भारत ने टिकटॉक को बैन किया था तो उसके बाद भी टिकटॉक को काफ़ी नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया में जो बेजती हुई वो तो हुई हुई मतलब बेजती वाली बात है ना कि आपके ऊपर भरोसा नहीं है बेजती का मतलब तो ये हुआ कि आपके ऊपर भरोसा नहीं है आपके ऊपर भरोसा इस बात का नहीं है कि हो सकता है कि आप हमारे जो यूज़र्स हैं जो देश के हैं उनका जो डाटा है वो चाइना के पास दे दें तो ये सबसे पहले जो बड़ा काम है वो इंडिया ने किया और फिर काफ़ी देशों ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई और अभी नेपाल ने भी इसको बैन कर दिया है हालांकि नेपाल का जो तर्क है वहाँ पे ये डाटा वाली बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो नेपाल है उसका चाइना के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते भी हैं और काफ़ी पैसा फंड्स वगैरह भी चाइना उसको देता रहता है और एक यहाँ पे विचारधारा वाली बात भी आती है क्योंकि नेपाल में कम्युनिज्म जो है वो काफ़ी पावरफुल है पॉलिटिकली तो ये सारी बातें भी आती हैं यही एक कारण है कि नेपाल में यहाँ पे डाटा की बात नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सोशल हारमनी की कि इसकी वजह से हमारे देश की जो सोशल हारमनी है उसको नुकसान पहुँच रहा है अब इसके पीछे आप पूछेंगे कि भी कैसी सोशल हारमनी तो हो सकता है कि भाई टिकटॉक पर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के या किसी भी व्यक्ति को गालियाँ दे रहा हो किसी समाज को गालियाँ दे रहा हो तो सोशल हारमनी जो है वो खराब हो सकती है बाकी भी फिर और बधेरी प्रकार के मतलब हो सकता है कुछ एटीन प्लस या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं टिकटॉक में आ रही हों तो हो सकता है कि ये सब बातें कंसीडर करके यहाँ पे बात हुई हो सोशल हारमोनी की बट इवेंचुअली बात यही है कि नेपाल ने अभी टिकटॉक को बैन कर दिया है हालांकि ये कुछ समय वाली बात अभी तक बोली जा रही है फॉर द मोमेंट वाली बात बोली जा रही है जो मैंने आपको पहले भी कहा और नेपाल ने ऑलरेडी 2018 में पोर्नोग्राफिक जो साइट्स होती हैं जो एडल्ट कंटेंट बताती हैं ना वो सब जो कंटेंट होता है तो उसको भी ऑलरेडी 2018 में नेपाल ने बैन कर दिया था अब यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको बात बताई कि प्राइम मिनिस्टर ने इस डिसीजन को डिफेंड किया तो उसने कहा कि ये कंसेंसस है जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है उन सारों में लेकिन जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने नेपाल के इस मूव को क्रिटिसाइज़ किया ये कहते हुए कि इसमें लैक ऑफ इफ़ेक्टिवनेस है लैक ऑफ मेचोरिटी और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्होंने ये कहा कि ऐसे और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इस प्रकार के अनवांटेड मटेरियल्स हमें देखने को मिलते हैं तो उनका क्या अगर आपने टिकटॉक बैन कर दिया तो फिर उसका क्या है ये इस अपोजिशन से सवाल निकल के आ रहे हैं और इसीलिए ओपोजिशन का ये कहना है कि ये जो पूरा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं इन सारों को रेगुलेट किया जाना चाहिए ना कि इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इनको क्या किया जाना चाहिए रेगुलेट किया जाना चाहिए ये नेपाल के ओपोजिशन का कहना है तो अब यहाँ पे जो बात है कि भाई रेगुलेट किया जाना चाहिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए तो यहाँ पे डिफेंस आ सकता है फंडामेंटल राइट्स वाला जो हम इंडिया में भी देखते हैं राइट टू एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट और यहाँ पे एक बात यह भी हो सकती है कि दिस इज़ ऑपोजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कि सिर्फ़ हम ऑपोजिशन में बैठे हैं तो हमने हर एक चीज़ को अपोज़ ही करना है तो इसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है हालाँकि ये सब चीज़ें जो हैं ये हर देश में होती हैं इंडिया में भी होती हैं तो ये पॉलिटिक्स है इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे तो ये इस टॉपिक का एनालिसिस था आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा पॉलिटिक्स इकोनॉमी जी के टेक्जोराफी साइंस एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्ले को जरूर चेक करिएगा और जी के कंटरफेस की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद